हेलो हेलो। सही तो है। सीआरपीसी के तहत आप लोगों को एफआईआर के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आपको अब तक बताया जो जा चुका है वो बता दिया जाए। एफआईआर की परिभाषा बताई गई, एफआईआर का उद्देश्य बताया जा चुका है, एफआईआर कौन करा सकता है ये बताया जा चुका है, जीरो एफआईआर भी बताया जा चुका है, और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर क्या होगा वह भी बताया जा चुका है। अब जो एफआईआर में आपका क्वेश्चन बनता है, जो अगले क्वेश्चन एफआईआर से बनते हैं उनको देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये बनता है इसी में आपका कि अगर एफआईआर विलंब से दर्ज कराया गया है तो उसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि अगर एफआईआर विलंब से दर्ज कराया गया है या एफआईआर कराने में डिले किया गया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। ये आपका फुल क्वेश्चन नहीं बनता, हेलो। देखिए आपका जो एफआईआर को आगे बढ़ाया जाए आज, और एफआईआर में जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि यदि एफआईआर कराने में डिले हो गया है या विलंब हो गया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका मैंने जोड़ कर पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको भी 10-15 लाइन तैयार रखेंगे आपका प्री के लिए भी और मेंस के लिए खास तौर पर। देखिए कैसे इसको लिखेंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र दर्ज करानी चाहिए, यानी कि एफआईआर यथाशीघ्र दर्ज कराई जानी चाहिए। विलंबित एफआईआर संदेह उत्पन्न करती है, यानी कि अगर एफआईआर कराने में डिले हो गया है तो ये एफआईआर संदेह उत्पन्न करती है। विलंब आपका कह सकते हैं कि अभियोजन के लिए हानिकारक होगा, जबकि अभियुक्त के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यानी कि यदि एफआईआर कराने में डिले हो गया है तो ये जो डिले हैं ये अभियोजन के लिए आपका हानिकारक साबित होगा, जबकि अभियुक्त के लिए लाभदायक साबित होगा। यानी कि अभियुक्त ये कह सकता है कि इस एफआईआर पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि एफआईआर बहुत देर से दर्ज कराई गई है, अतः यह एफआईआर झूठी है, मिथ्या है। आपका यदि लेकिन यदि विलंब का युक्त युक्त कारण दर्शा दिया गया है, यानी कि एफआईआर कराने में देर क्यों हो गई, अगर इसका रीजनेबल या उचित या युक्त युक्ति युक्त रीजन या कारण बता दिया गया है तो ये जो विलंब है आपका क्षम्य होगा। क्षम्य होगा यानी कि विलंब का एफआईआर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफआईआर दर्ज कराने में विलंब हो गया है या डिले हो गया है
और उस डिले का उचित कारण दिखा दिया जाता है कि इस उचित या रीजनेबल रीजन के कारण डिले हुआ है, तो वह डिले क्षम्य होगा, यानी कि वह विलंब अभियोजन के लिए हानिकारक नहीं होगा। अब कुछ विलंब दिखाना है कि किस किस आधार पर, यानी कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर आप डिले दिखा सकते हैं। तो एक एक करके आपका पॉइंट वाइज देखा जाए, पहला पॉइंट है लैंगिक अपराधों के मामले में, यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में। जहाँ तक लैंगिक अपराधों की बात है, लैंगिक अपराधों के मामले में पीड़िता डरी सहमी रहती है, लोक लाज का भय रहता है। अतः ऐसी दशा में अगर वह FIR कराने में डिले भी कर देती है, तो न्यायालयों की जो राय है उसके अनुसार यह जो विलंब है वह क्षम्य है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका कह सकते हैं कि नारायण साईं, यानी कि आसाराम बापू के जो पुत्र हैं नारायण साईं, उनका मिलता है, जहां कि 10 साल बाद पीड़िता ने FIR दर्ज कराया कि इन्होंने मेरे साथ दुराचार किया है, और वह FIR विलंब भले 10 साल का हो गया था लेकिन सही मानी गई। यानी कि लैंगिक अपराधों में यदि FIR दर्ज कराने में विलंब हो जाता है तो ये विलंब क्षम्य है, इससे अभियोजन को नुकसान नहीं होता। दूसरा, मानसिक अवसाद, यानी कि जो मेंटल अवसाद हैं या मानसिक दुख है, तो जहाँ तक पीड़ित की बात है, अगर पीड़ित या उसके परिवार वाले मानसिक कष्ट में हो और इस कारण से FIR कराने में यदि डिले कर दिए हो, तो ये जो विलंब है यह भी विलंब क्षम्य है, और FIR आपका विलंब के कारण संदेह पैदा नहीं करेगी। तीसरा है घटना स्थल से आपका थाने की दूरी। यदि घटना स्थल से थाने की दूरी ज़्यादा है, तो ऐसी दशा में यदि FIR दर्ज कराने में कुछ विलंब भी हो जाता है, तो वह विलंब क्षम्य है, यानी कि वह विलंब माफ कर दिया जाता है, और विलंब का बुरा प्रभाव प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन पर नहीं पड़ता। अगला कारण है खराब मौसम, यानी कि अगर चक्रवात आ गया, खूब बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है, और पीड़ित ने FIR इस कारण कराने में देर कर दी, तो ऐसी दशा में ये भी विलंब का उचित कारण माना जाता है। अगला है विपक्षी का भय, यानी कि जो लोग अभियुक्त हैं वे बार बार आपका कह सकते हैं कि धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम FIR दर्ज कराने जाओगे तो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, और अगर इस कारण से FIR दर्ज कराने में डिले हो गया या देर हो गई, विलंब हो गया, तो यह विलंब भी क्षम्य होगा। इस प्रकार जो मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, आपका विलंबित प्राथमिकी या डिले से कराई गई प्राथमिकी का इफेक्ट बताइए, प्रभाव बताइए, वह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन आपका बनता है
एफआईआर का निरस्तीकरण यानी कि कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर। ये भी क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बन चुका है। देखिए आपका अच्छे से इसको भी डील करना है, आपका एफआईआर का निरस्तीकरण यानी कि क्या एक बार जब एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या उस एफआईआर को कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं, और अगर किया जा सकता है तो किस न्यायालय द्वारा और किस आधार पर। तीन बातें इसमें पढ़नी है, फिर एक बार देखिए। जब एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या उसका कैंसिलेशन किया जा सकता है कि नहीं, और अगर किया जा सकता है तो कौन कर सकता है यानी कि कौन न्यायालय सक्षम है कि वह एफआईआर को कैंसिल कर सकता है, और तीसरा इसमें किस आधार पर। तो देखिए इसको शुरुआत किया जाए प्रश्न का, कैसे आप इसको डील करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सामान्यतः जब एक बार प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर लिया जाता है तो वह निरस्त नहीं होता, भले ही पुलिस उस एफआईआर के आधार पर अन्वेषण करे या अन्वेषण करने से इनकार कर दे। फिर एक बार देखिए, जनरली यानी कि सामान्यतः जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, भले ही पुलिस उस एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करे या करने से डिनाई कर दे या अन्वेषण करने से इनकार कर दे। ये आपका नियम है, लेकिन एफआईआर आपका कह सकते हैं कि कैंसिल नहीं होता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यह ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एफआईआर को निरस्त कर सकते हैं। तो यही आपका सीआरपीसी की धारा यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 482 पढ़ना है, फिर संविधान का आर्टिकल 32 और 226 पढ़ना है। देखिए इसको अच्छे से। भारत का उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जुरिडिक्शन या रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दे सकते हैं। फिर एक बार अच्छे से देखिए, आपका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय एफआईआर रिट अधिकारिता का यानी कि रिट जुरिडिक्शन का प्रयोग करते हुए एफआईआर को निरस्त करने का, कैंसिल करने का आदेश दे सकते हैं। उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का या निहित शक्ति का या इनहेरेंट पावर का या सहज शक्ति का प्रयोग करते हुए भी एफआईआर को रद्द कर सकता है। ये तीन बातें याद रखना है। एफआईआर को निम्नलिखित अब आधार देखना है, एफआईआर को किस आधार पर आपका निरस्त करवाया जा सकता है। तो एफआईआर को निरस्त करवाने के मुख्यतः दो आधार हैं, वह दोनों आधार आपको
अच्छे से जानने हैं। पहला आधार आपका है कि यदि प्राथमिकी से या यदि जो एफआईआर की गई है उस एफआईआर से कोई अपराध नहीं बनता, यानी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है अगर उस एफआईआर को सार देखा जाए तो उस एफआईआर के आधार पर किसी अपराध का सृजन नहीं होता, यानी कि एफआईआर में कही गई बातों से कोई आपका कह सकते हैं कि अपराध बनता ही नहीं है। अतः मांग की जा सकती है कि इस एफआईआर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता, यानी कि जब तक कि कोई कानून न हो अपराध नहीं हो सकता। और एफआईआर पूरा पढ़ा गया लेकिन किसी भी सेक्शन में वह एफआईआर की बातें अपराध के रूप में आपका गवर्न नहीं हुई, यानी कि अपराध के तत्व पाए ही नहीं गए, तो अतः इस एफआईआर को निरस्त किया जाए। दूसरा आधार है कि एफआईआर विभागीय जांच के बिना लोक सेवक के विरुद्ध की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एफआईआर के लिए विभागीय जांच की आवश्यकता थी या एफआईआर के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी और सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो ऐसी दशा में एफआईआर को कैंसिल कराया जा सकता है। इस आधार पर कि बिना विभागीय अनुमति के ही या बिना विभागीय जांच के ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक उदाहरण इसका बताया जाए और इसका उत्तम उदाहरण एक दो देखा जाए। जैसे कि अगर कोई केंद्रीय बल है और वह ऑन ड्यूटी कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर तभी हो सकती है जब केंद्रीय सरकार इसके लिए इजाज़त या अनुमति या परमिशन दे। सबसे अच्छा उदाहरण आपका जम्मू कश्मीर राज्य का भी मिलता है, जहाँ कि आपका सैनिकों के खिलाफ जम्मू कश्मीर उस समय के राज्य की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और सैनिक के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, एफआईआर को निरस्त करने की मांग किए और सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया, क्योंकि बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आपका केस इस पर लिखना है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजन लाल, AIR 1992 यानी कि 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि प्राथमिकी इस आधार पर निरस्त नहीं कराई जा सकती कि इसे दर्ज कराने में आवश्यक शीघ्रता बरती गई है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया और उसके खिलाफ जल्दी ही यानी कि अपराध किए जाने के कुछ समय बाद ही एफआईआर दर्ज कराई गई, तो ऐसी दशा में इस आधार पर वह एफआईआर कैंसिल नहीं कराई जा सकती कि बहुत जल्दी या शीघ्रता से इनके खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकार आपका एफआईआर कैंसिल कौन कर सकता है, किस आधार पर कर सकता है, तो फिर एक बार याद रखिए, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन से लेकर मजिस्ट्रेट तक, इनको एफआईआर आपका रद्द करने की अधिकारिता नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस भी एफआईआर रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि जब एक बार एफआईआर दर्ज हो गया तो पुलिस के हाथ में नहीं है कि एफआईआर को कैंसिल कर दे, भले वह एफआईआर पड़ा रहे, भले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दे, लेकिन रद्द नहीं कर सकती। आइए जो अगला क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है, मेंस में यूपी में भी बना है, कि एविडेंस का यानी कि एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। देखिए आपका एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू, इस क्वेश्चन को भी मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से आप तैयार करेंगे, यानी कि एफआईआर का साक्ष्य में क्या महत्व है, यानी कि एविडेंस में क्या महत्व है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है और जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपका एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, आपका कैसे मॉडल बनाना है, तो पहले संपोषक साक्ष्य हम बताएंगे, फिर आपका सारवान बताएंगे, प्री में भी पूछा जाता है, प्री में भी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो सेक्शन पढ़ने हैं, वह आपका पढ़ना है साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 पढ़नी है, फिर आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा कह सकते हैं कि 11 पढ़नी है, फिर साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का क्लाज 1 पढ़ना है, फिर साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 पढ़ना है, फिर साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 पढ़ना है, फिर साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 पढ़ना है। यानी कि फिर आपका अगर एक्यूज्ड ने यानी कि अभियुक्त ने ही एफआईआर दर्ज कराई है, अगर अभियुक्त ने ही एफआईआर दर्ज कराई है, तो इसके लिए आपका एविडेंस का सेक्शन 8 पढ़ना है, एविडेंस का सेक्शन 21 पढ़ना है, एविडेंस का सेक्शन 25 पढ़ना है। फिर एक बार पहले सेक्शन याद कर लीजिए, कवर करिए कि आपका कौन कौन सा सेक्शन एफआईआर के एविडेंशियल वैल्यू में पढ़ने हैं। तो आपका एफआईआर के एविडेंशियल वैल्यू में आपका जो पढ़ना है उसको फिर से एक बार देखिए, यानी कि एविडेंस के कौन कौन सेक्शन में जाकर और आप एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू बताएंगे या एफआईआर का साक्ष्य में महत्व बताएंगे। ये क्वेश्चन फिर बता दिया जाए, आपका काफ़ी बना है और सामान्यतः ये क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार भी रखेंगे। इसमें आपका देखिए, आपका ये कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, और एक क्वेश्चन और इससे निकलता है, पहले वहीं बता दिया जाए, एक मॉडल और छोटा बन जाता है टिप्पणी में या अलग से,
या उसी में जोड़ दिया जाता है वह भी हम बता रहे हैं। वह मॉडल ये बनता है कि कब एफआईआर सब टेंसिव या सारवान साक्ष्य माना जाएगा, तो इसको भी लास्ट में हम बताएंगे। लेकिन एक एक करके आपका एफआईआर का साक्ष्य में क्या महत्व है इसको पहले देखा जाए एक एक करके। देखिए आपका जब भी पढ़िए आपका शुरुआती दौर में एक कार्बोरेटिंग नेचर का एविडेंस यानी कि संपोषक साक्ष्य हमने लिखा है और दूसरा शब्द हमने बोर्ड पर लिखा है सब्सटेंसिव एविडेंस या सारवान साक्ष्य। एफआईआर का साक्षिक मूल्य जानने से पहले आपका इन दोनों शब्दों का मतलब जानना है। अगर कहीं भी ये आए कि यह कार्बोरेटिंग नेचर का एविडेंस होगा या संपोषक साक्ष्य होगा, इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल इस साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि केवल यह साक्ष्य पर्याप्त नहीं होगा, अर्थात ओनली इस एविडेंस के आधार पर किसी अभियुक्त को आपका कन्विक्ट या दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, यानी कि दंडित नहीं किया जा सकता। तो संपोषक साक्ष्य कोई पूछे कि क्या है, तो संपोषक साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि जो अन्य साक्षियों को बल प्रदान करे, बल प्रदान करे का मतलब ये हुआ उनका सपोर्ट करे, उनका सहयोग करे, उनका सपोर्ट करे, यानी कि ये जो साक्ष्य संपोषक हैं ये सपोर्टिंग नेचर के होते हैं, अन्य साक्षियों को बल प्रदान करते हैं। और जहाँ भी ये लिखा रहे कि यह सब्सटेंशियल एविडेंस है यानी कि सारवान साक्ष्य हैं, तो सारवान साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल उसी एविडेंस के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है, अन्य साक्षियों की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखा जाए एफआईआर का साक्षिक मूल्य देखा जाए एक एक करके। प्राथमिकी या प्रथम सूचना प्रतिवेदन या प्राथमिकी एक संपोषक साक्ष्य है, सारवान साक्ष्य नहीं है। प्री में भी ये लगातार पूछा जाता है। प्राथमिकी या एफआईआर एक संपोषक साक्ष्य है, कार्बोरेटिंग नेचर का एविडेंस है, सब्सटेंशियल एविडेंस या सारवान साक्ष्य नहीं है, अर्थात यह अन्य साक्षियों को बल प्रदान करता है, केवल एफआईआर के आधार पर किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि केवल एफआईआर दर्ज हो जाने से कोई व्यक्ति दोष सिद्ध या कन्विक्ट नहीं हो जाता। लेकिन ये आपका अन्वेषण का प्रारंभिक चरण होता है और इसी के आधार पर अन्वेषण का अन्वेषण को आगे बढ़ाया जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यानी कि जब पुलिस या सीबीआई या जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है तो शुरुआती दौर में वह एफआईआर में कही गई बातों के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन का प्रारंभ करती हैं।
यानी कि एफआईआर अन्वेषण का प्रारंभिक चरण होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसका एविडेंशियल वैल्यू निम्नलिखित है। तो आइए एक एक करके एविडेंशियल वैल्यू देखा जाए। अब सेक्शन आपका देखना है, पहला सेक्शन आपका एविडेंस का सेक्शन एट। अब एविडेंस का सेक्शन एट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो सेक्शन आपका एट है उसमें क्या बात बताई गई है पहले ये जानिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा एट में आपका अन्य बातों के सिवाय प्रीवियस कंडक्ट और सबसिक्वेंट कंडक्ट यानी कि घटना के पूर्ववर्ती आचरण और घटना के पश्चातवर्ती आचरण को रेलेवेंट बनाया गया है, सुसंगत बनाया गया है, अर्थात उचित बनाया गया है। तो ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति घटना के बाद एफआईआर दर्ज कराता है तो ऐसी दशा में वह एफआईआर का साक्ष्य में प्रयोग कर सकता है स्वयं के पश्चातवर्ती आचरण के रूप में यानी कि सबसिक्वेंट कंडक्ट के रूप में, और ये सेक्शन एट में जाएगा। अगला देखा जाए, इसका जो अगला आपका प्रयोग एविडेंशियल वैल्यू है वह आपका है सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 क्या है एविडेंस का, पहले ये जानना है और तब आपका एविडेंशियल वैल्यू अलग से हम बताते हैं। जहाँ तक एविडेंस की धारा 11 की बात है, 11 को आपका लायर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। याद रखिए बिहार जे के इंटरव्यू में भी पूछा गया है लायर्स पैराडाइज या वकीलों का स्वर्ग कौन सी धारा कही जाती है, तो वह जो सेक्शन है वह आपका 11 है। 11 जो है आपका एक रिजुडियरी सेक्शन है यानी कि रेलेवेंसी के बारे में, तथ्यों की सुसंगतता के बारे में एक अवशिष्ट प्रावधान है। अवशिष्ट प्रावधान का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फैक्ट या कोई भी बात या कोई भी तथ्य सेक्शन एविडेंस के 5 से लेकर 55 तक में रेलेवेंट नहीं है तो अधिवक्ता साहब या पक्षकार उसे 11 में रेलेवेंट बना सकते हैं, क्योंकि 11 में सुसंगतता या रेलेवेंसी का आधार ही है, यानी कि विसंगत तथ्यों को, असंगत तथ्यों को सुसंगत धारा 11 बनाती है, क्योंकि आपका विसंगतता ही सुसंगतता का आधार है। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक ही बात एक ही समय में दो जगह सही नहीं हो सकती। तो आखिर एफआईआर का आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 11 से क्या रिलेशन है, अब ये देखिए। आपका यदि प्राथमिकी में कोई सारवान तथ्य नहीं है यानी कि मुख्य बात नहीं है, तो यह तथ्य भी संगत होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत संभावनाओं को पुष्ट करने या संभावनाओं को
इनकार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि ये दिखाई जा सकती है कि हजूर एफआईआर तो हुई है लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात एफआईआर में की ही नहीं गई है, आपका ये दिखा सकते हैं। तत्पश्चात आपका एविडेंशियल वैल्यू में हम आते हैं सेक्शन एविडेंस का 32 का क्लाज वन। पहले 32 का क्लाज वन देखा जाए, इस क्लाज में डीडी या डाइन डिक्लेरेशन या मृत्यु सैया का कथन या मृत्यु कालिक कथन या मृत्यु कालिक घोषणा का प्रावधान किया गया है। पहले 32-1 पढ़ा जाए और तब एफआईआर में इसका एविडेंशियल वैल्यू बताया जाए। देखिए सेक्शन 32-1 में आपका इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मर गया हो और मरने के पूर्व उसने अपने स्वयं के, दूसरे के नहीं, सतर्क रहिए, प्री और इंटरव्यू में भी पूछा गया है, अपने मृत्यु के कारण के बारे में, यानी कि स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बता कथन किया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में, यानी कि उस ट्रांजैक्शन की कंडीशन के बारे में, यानी कि उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में वर्णन किया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि फिर एक बार देखिए, जबकि कोई व्यक्ति मर गया हो और उसने अपने मृत्यु के कारणों के बारे में कथन किया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी, तो चाहे कथन करते समय उसे मृत्यु की आशंका हो या न हो और चाहे वह कैसी भी कार्यवाही हो, यानी कि चाहे वह सिविल कार्यवाही हो या आपराधिक कार्यवाही हो, जो उसका कथन है रेलेवेंट होगा और इसी को मृत्युकालिक कथन कहा जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन। अब एफआईआर पर आ जाइए। अगर किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई हो और एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी और उस एफआईआर में उसने अपने मृत्यु के कारणों को बताया हो या उस हालात का वर्णन किया हो जिस हालात में उसकी मृत्यु हुई है, तो ये एफआईआर अब मृत्युकालिक कथन बन जाएगा, यानी कि इसका साक्ष्य में प्रयोग धारा एविडेंस के 32-1 के तहत मृत्युकालिक कथन के रूप में किया जा सकता है और मृत्युकालिक कथन सब्सटेंसिव एविडेंस होता है, सारवान साक्ष्य होता है, अर्थात अर्थात केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। अगला एविडेंशियल वैल्यू देखा जाए, आपका अगला सेक्शन है 74। आइए साक्ष्य अधिनियम की धारा आपका 74 क्या बताती है, देखिए साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट का उल्लेख किया गया है, यानी कि लोक दस्तावेज अर्थात एफआईआर एक
पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, लोक दस्तावेज हैं, अतः समाज का कोई भी व्यक्ति इसकी प्रमाणित कॉपी, अटेस्टेड कॉपी की मांग कर सकता है। यानी कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, लोक दस्तावेज हैं, और किस सेक्शन में 74। इसके बाद आपका एफआईआर जो साक्ष्य में एक सेक्शन छूट गया उसको देखा जाए, एक सेक्शन और जोड़ लीजिएगा आपका 35 छूट गया था, इसको जोड़ लीजिए एविडेंशियल वैल्यू में 35 बता दिया जाए। 35 में ये हैं साक्ष्य नियम की धारा कि यदि कोई कथन अभिलिखित किया गया हो और वह कथन जो अभिलिखित किया गया है वह कह सकते हैं कि किसी लोक सेवक ने किया है और ऑन ड्यूटी या अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, तो थाने का भार साधक अधिकारी अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में यानी कि ऑन ड्यूटी एफआईआर दर्ज करता है, अतः ऐसी दशा में यह जो एफआईआर है एविडेंस के सेक्शन 35 के तहत पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यों के रूप में रेलेवेंट होगा, अर्थात सुसंगत होगा। आपका ये भी याद रखना है। एफआईआर को अगला देखा जाए सेक्शन 145 और सेक्शन 156, यहाँ भी आपको अच्छे से डील करना है। 145 में खंडन दिया गया है और 145 में एविडेंस की धारा खंडन का प्रावधान है, यानि कि पूर्वतन कथन का खंडन, और 157 में संपुष्टि का यानि कि कार्बोरेशन का प्रावधान किया गया है। तो आपका एफआईआर का प्रयोग एविडेंस की इन धाराओं में कैसे किया जाता है अब वह समझिए, देखिए अच्छे से इसको भी। जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया है, यदि वह व्यक्ति उस मामले में विटनेस के रूप में यानी कि साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत होता है, तो जो उसने एफआईआर में बातें लिखवाई हैं उन बातों का प्रयोग आपका उन बातों का प्रयोग उसके कथनों का खंडन करने के लिए सेक्शन 145 के तहत तथा संपुष्टि के लिए 157 के तहत किया जा सकता है। इसके बाद अगला ये आता है कि यदि एफआईआर विलंब से दर्ज कराई गई है तो ऐसी दशा में वह संदेह उत्पन्न करती है, लेकिन यदि विलंब का उचित कारण बता दिया जाता है तो वह संदेह दूर हो जाता है। सबसे जो अगला महत्वपूर्ण है आपका कि अगर अभियुक्त स्वयं एफआईआर दर्ज कराया है तो उसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि अगर अभियुक्त ने स्वयं एफआईआर दर्ज कराया है तो इस पर दो केस याद करना पड़ेगा। पहला है निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपका अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, सीआरपीसी चलेगी आपका, फिर एक बार बता दिया जाए।
अभी सीआरपीसी ही आज चलेगी, कल से आईपीसी रेगुलर की जाएगी ताकि एफआईआर और एनसीआर ख़त्म हो और इसमें अंतर भी बताया जाए। तो अभी आपका 15 मिनट ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाया जाए।